सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन। डाटाबेस सिक्योरिटी के बारे में हम बात करें तो कुछ जनरल पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, हमारा जो चैप्टर वन था डाटाबेस का, उसमें हमने बात की थी वन ऑफ द मेन पीपल, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो पर्सन है आपका, वो रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। उसमें आपका एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन। सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन, सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन मींस ये दोनों चीजें हैं, ये तीन फॉर्म्स में आपकी सिक्योरिटी को डिवाइड करती हैं। इसको CIAB बोला जाता है। आप नेटवर्क सिक्योरिटी में पढ़ेंगे तो इसको CIA मॉडल बोला जाता है। CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, आप नेटवर्क सिक्योरिटी में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इसके बारे में। तो मेनली आपका जो DBMS है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, CIA के लिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि आपका जो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल है, उसमें अनऑथराइज एक्सेस नहीं होगा। इंटीग्रिटी कि आपका यदि कोई ट्राई करता है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करना उसको, मेनली उसकी सिक्योरिटी को इतना हाई लेवल कर देना कि उसमें कोई भी आपका लीकेज ना हो सके। अवेलेबिलिटी मीन्स कि आपके यूज़र को जब भी रिक्वायरमेंट है डाटा की तो उसको तुरंत अवेलेबल करवाया जाए आपका डाटा, जब भी उसको रिक्वायरमेंट हो। ओके, नेक्स्ट, DBA इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, सिक्योरिटी किस किस टाइप की होती है? नेक्स्ट, लीगल सिक्योरिटीज एंड इथिकल इश्यूज। आपकी लीगल सिक्योरिटी जो आपके साइबर क्राइम जो आपके फॉर एग्जांपल रूल्स होते हैं उनको ध्यान में रख के बनाते हैं। इथिकल इश्यूज आपके, जैसे डाटा लीकेज प्रॉब्लम्स, इसके लिए जैसे हमारा FB का जो आपने सुना होगा पीछे केस था, फेसबुक का केस, डाटा लीकेज प्रॉब्लम्स, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पॉलिसी इश्यूज मीन्स कि आपकी कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके डाटा के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, अगर उसको कोई नई पॉलिसी बनानी पड़े तो वो आपके डाटा को सिक्योर करने के लिए, तो वो इसको ईजिली इम्प्लीमेंट कर सके। ओके, नेक्स्ट इज सिस्टम रिलेटेड इश्यूज़। आपका डाटाबेस सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए जो हम सिस्टम्स यूज़ करते हैं, फायरवॉल्स यूज़ कर रहे हैं और प्रोटोकॉल्स जो यूज़ कर रहे हैं, लाइक इंक्रिप्शन में हम कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, उन सबको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नीड टू आइडेंटिफाई मल्टीपल सिक्योरिटी लेवल्स कि आपकी जो सिक्योरिटी में आप प्रोवाइड करेंगे लेवल्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक ऑथेंटिकेशन लेवल प्रोवाइड किया, ऑथेंटिकेशन। सेकेंड थिंग, आप लॉगिन के लिए क्या यूज़ कर रहे हो, और आपका डिफरेंट लॉगिन करने के बाद आपको चेंज के लिए क्या क्या परमिशंस अवेलेबल हैं। ठीक है, आपके डाटाबेस में अगर इसका एग्जांपल हम दें तो जब आप कभी आपका फेसबुक पासवर्ड भूल जाते हो, तो वो क्या है, आपसे जीमेल पे प्रोवाइड करते हैं और आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, और उसके बाद भी आपको आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने ड्यूरिंग योर सिक्योरिटी क्वेश्चन जो डाला था ड्यूरिंग योर फेसबुक अकाउंट क्रिएशन, उस टाइम पे उसका भी काफ़ी बार आपसे आंसर पूछ लिया जाता है। तो मीन्स आपकी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स क्या हैं आपके डाटाबेस के। तो इस ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी टाइप्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, FB का केस, ये केस आप स्टडी कर सकते हो आपके इंटरनेट पे। 2016-15 में आपका डाटा लीकेज, फेसबुक डाटा जो लीकेज प्रॉब्लम थी, और यू कैन ऑल्सो गो फॉर आई क्लाउड आईफोन के लिए जो आपका यूज़ किया जाता है उसमें जो डाटाबेस हैकिंग की गई थी उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट, आपका जैसे मैंने बात की, मेनली इश्यूज आर CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के आपके डाटाबेस की सिक्योरिटी को डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि मेनली जो थ्रेट होते हैं, मेनली जो आपकी कहीं से डाटा लीकेज किया जाता है या आपका कोई हैकर है, वो इन सब जो आपकी मेन फीचर्स होते हैं डाटाबेस सिक्योरिटी को, उनको यूज़ करके ही आपके डाटाबेस को हैक करता है। आपने नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोग्राम स्टडी किया हो, सब्जेक्ट यदि स्टडी किया है
तो वहाँ पे आपका जो डाटाबेस है, आपने किसी यूज़र को डाटाबेस सेंड करना है तो वो आपके डाटाबेस को इनक्रिप्ट करता है विद एन एल्गोरिथम और इसको नेटवर्क पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, नेटवर्क पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जो रिसीवर है वो इसको फिर आपका यहाँ पे इनक्रिप्शन जब आप करते हो तो ये डाटा बन जाता है आपका साइफर टेक्स्ट फॉर्म में। इसके इस टॉपिक के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कम्प्लीटली। और यहाँ पे आपका जो रिसीवर है उसको साइफर टेक्स्ट फॉर्म में डाटा मिलता है और वो उसको कन्वर्ट करता है फिर से प्लेन टेक्स्ट में। तो मेनली जो लीकेज होता है, जो आपकी CIA इनकी जो लॉस होता है वो आपका नेटवर्क फॉर्म पे हो जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी अगर आपने अच्छे से प्रोवाइड नहीं की है तो हैकर ईजिली आपके डाटा को चेंज कर सकता है, आपके डाटा की इंटीग्रिटी को लॉस कर सकता है, उसमें कोई चेंज कर सकता है। और आपका डाटाबेस है, फॉर एग्जाम्पल आपने रिसीवर ए के लिए डाटा भेजा, हो सकता है वो आगे ही इस डाटाबेस को प्रोवाइड ना करें। तो इस टाइप की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ सकती हैं। ओके, नेक्स्ट, आपके प्रोटेक्ट डाटाबेस को थ्रीट से, देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये स्लाइड में, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डाटाबेस सिक्योरिटी इश्यूज़ के बारे में कि आपके इश्यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, दैट आर नॉट ओनली रिलेटेड टू स्टोरेज, या आपके टोटल आपके ग्लोबली जो डाटाबेस सिक्योरिटी है उसके बारे में बात की जा रही है। तो टू प्रोटेक्ट डाटाबेस अगेंस्ट दीज टाइप ऑफ थ्रेट्स वी यूज फोर काइंड्स ऑफ मेजर्स, काउंटर मेजर्स, ओके यहाँ पे स्पेस आएगा, सॉरी, काउंटर मेजर्स। फर्स्ट वन इज एक्सेस कंट्रोल, सेकेंड इज इन्फ्रेंस कंट्रोल, थर्ड वन इज फ्लो कंट्रोल एंड फोर्थ वन इज इनक्रिप्शन। इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, आपके डाटाबेस को लेके, अब देखिए मेनली डाटाबेस सिक्योरिटी जो होती है उसमें हम इंश्योर करते हैं कि हमारा डाटाबेस है वो सिक्योर है अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेसेस, बिकॉज अनऑथराइज्ड एक्सेस, आपका जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो ओनली कुछ ही यूजर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है। एंड फॉर एग्जांपल आपके यूज़र वन है, उसने अपना जो आईडी, फॉर एग्जांपल आईडी पासवर्ड है उसको किसी और के साथ शेयर किया, एंड दैट पर्सन इज़ नॉट अ ट्रस्टेबल पर्सन, उसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते जिसको ये प्रोवाइड किया गया है, तो वो आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस है। वो आपके डाटाबेस में कुछ भी चेंज कर सकता है, आपके डाटाबेस में कुछ भी डिलीट कर सकता है। तो इस टाइप के जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस, उनके अगेंस्ट हमें मेनली काम करना होता है आपके डाटाबेस सिक्योरिटी में। मेनली यहाँ पे जो मैकेनिज़म्स यूज़ किए जाते हैं वो दो टाइप के मैकेनिज़म होते हैं, वन इज़ डिस्क्रिमिनेशनरी एंड सेकेंड इज़ मैनेटरी। मैनेटरी मीन्स कि इनको तो आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना होगा। डिस्क्रिमिनेशनरी मीन्स कि आपका ये यूज़र है, ये यूज़र यदि किसी यूज़र टू को एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है तो वो किस टाइप से किए जाएंगे, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या पॉलिसीज होंगी, उन सबको ध्यान में रख के हम करते हैं डिस्क्रिमिनेशनरी डाटा सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है आपके एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में। सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऑफ ए डाटाबेस मस्ट इंक्लूड रेस्ट्रिक्शन एक्सेस। एक्सेस कंट्रोल के बारे में आपको पहले भी पता होगा कि हमें हमारे एक्सेस प्रोवाइड कराने के दौरान, आपके डाटाबेस में एक्सेस प्रोवाइड करवाने के दौरान क्या क्या सिक्योरिटी मैकेनिज्म को फॉलो करना है। जैसे हमने लास्ट स्लाइड पे फेसबुक का एग्जांपल हमने यूज़ किया था, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट किया जाता है आपके लॉगिन को, लॉगिन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। दैट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल, दैट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल कि आपको आपके फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करने के लिए क्या क्या एक्सेस कंट्रोल हैं, आपको आईडी पासवर्ड जो प्रोवाइड किया गया है दैट इज़ अ कंट्रोल, आपके एक्सेस पे कंट्रोल करने के लिए हमने एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी को फॉलो किया है। जब भी आपने फॉर एग्जांपल आपने फ़ोन पे फेसबुक एक्सेस किया है और आप किसी अनदर प्लेस पे या किसी अनदर कंप्यूटर पे जब एक्सेस करते हो तो आपको, अगर आपका फेसबुक अकाउंट जीमेल से अटैच है तो आपको तुरंत जीमेल पे नोटिफिकेशन मिल जाता है कि किसी अनदर डिवाइस पे आपने आपके फेसबुक अकाउंट को एक्सेस किया है और उसकी इवन लोकेशन तक आपको प्रोवाइड कर देता है अगर उस कंप्यूटर का GPS ऑन है या उसकी लोकेशन ऑन की गई है तो। ठीक है, सेम एग्जांपल आपका जीमेल, आपने आपके
कंप्यूटर में जीमेल को ऑन किया और आपने किसी सेकेंड कंप्यूटर पे भी जीमेल को ऑन किया है, आपको तुरंत आपके जीमेल अकाउंट पे नोटिफिकेशन मिल जाती है कि आपके सिस्टम, आपके जीमेल अकाउंट को इस पार्टिकुलर सिस्टम पे, इस पार्टिकुलर लोकेशन पे एक्सेस किया गया है। दीज आर टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स। मीन्स एक्सेस कंट्रोल मीन्स कि आपका जो आईडी पासवर्ड है वो किसी को पता है, वो आपका एक्सेस लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल डाटा बेसिस। स्टैटिस्टिकल डाटा बेसिस इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे कि कैसे आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है, उसकी क्या वैल्यू है, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको हम मेनली स्टडी करते हैं इन्फ्रेंस कंट्रोल से। इन्फ्रेंस आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपका प्रोपोर्शनल लॉजिक टॉपिक पढ़ा होगा, उसके कुछ इन्फ्रेंस जो रूल्स हैं उनको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट अनदर सिक्योरिटी लेवल इज फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मीन्स कि जैसा मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पे आपका डाटाबेस नेटवर्क में फ्लो हो रहा है और आपके जो थ्रेट है, आपका जो हैकर है, उसने यहाँ पे इस फ्लो कंट्रोल को ब्लॉक कर दिया, इस पार्टिकुलर लोकेशन पे ब्लॉक कर दिया, उसने आगे डाटा के फ्लो को होने ही नहीं दिया, रेस्ट्रिक्ट किया आपके एक्सेस करने के लिए, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फ्लो कंट्रोल मीन्स विच प्रिवेंट इन्फॉर्मेशन, ये आपका जो फ्लो कंट्रोल है दैट इज़ फॉर सिक्योरिटी पर्पज, दैट इज़ फॉर सिक्योरिटी पर्पज। हमने एग्जाम्पल वहाँ पे डिस्कस किया था जो दैट इज़ सिक्योरिटी ब्रेक। सिक्योरिटी ब्रेक कैसे सिक्योरिटी ब्रेक हो सकती है, उस सिक्योरिटी को ब्रेक होने से पहले आप कैसे इस फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे सिक्योरिटी लेवल से वो प्रोवाइड करवा सकते हो। प्रिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्लोइंग इन सच ए वे दैट इट डज नॉट रीचेस टू एन अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि आपने आपके फ्लो पे इस तरीके से कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं कि जो आपका अनऑथराइज्ड यूज़र को एक्सेस करने से पहले उसकी रीच से आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रिवेंट करें। अनऑथराइज्ड एक्सेस लाइक योर हैकर, हैकर्स और योर आपने डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स पढ़ी होंगी रिलेटेड टू दैट, लाइक आपका कोई वायरस प्रोवाइड किया जाता है या आपका कोई ट्रोजन हॉर्स आपको प्रोवाइड कर दे, आपका हैकर है, उसने डाटा को आपके फ्लो कंट्रोल को रोका और उसमें अपना वायरस अटैच किया और फिर आपको प्रोवाइड किया, तो उस टाइप से आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना है आपके हैकर की रीच से, आपके डिफरेंट डिफरेंट अटैकर्स की रीच से। नेक्स्ट चैनल्स, चैनल्स चैनल्स दैट आर पाथवेज फॉर इन्फॉर्मेशन टू फ्लो इम्प्लिसिटली इन ए वेज दैट वायलेट द सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड कोवर्ट चैनल्स। ये मेनली बात करता है आपके कि किस पाथ से आपका डाटा फ्लो होगा, किस पाथ से आपका डाटा फ्लो हो रहा है और आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने उस फ्लो के ऊपर क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। ओके, कोवर्ट चैनल्स के बारे में। नेक्स्ट डाटाबेस इंक्रिप्शन। डाटाबेस इंक्रिप्शन आपका नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स मिलेंगी कि आपकी पब्लिक की क्या होती है, आपका प्राइवेट की कैसे यूज़ करते हैं हम, प्राइवेट कीज़, और आपकी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स क्या क्या हैं, वहाँ आपको ये सब चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। ओके, मेनली कम्युनिकेशन नेटवर्क पे बात होती है इनकी, वहाँ पे हम इनकोडिंग एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं लाइक योर RSA एल्गोरिथम्स, DES 128 और 64 और 256 एल्गोरिथम्स और SSL टेक्निक्स, ये सब चीज़ें आपकी वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट डाटाबेस सिक्योरिटी एंड DBA। आपका डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, थैंक यू ज्योति मैम। नेक्स्ट जैसा हम मैंने पहली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस किया था, मेनली डाटाबेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स। ओके, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मेनली सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो आपके पूरे डाटाबेस सिस्टम को मैनेज करती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं कि आपने किस यूज़र को ग्रांट करना है कि वो यूज़र में एक्सेस कर सके, उसके अकॉर्डिंग आपके यूज़र्स को और डाटाबेस को क्लासिफाई करना है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ क्या क्या होंगे आपके यूज़र्स के लिए, और आपके अकाउंट्स मेनली क्या किया जाता है कि आपके अकाउंट क्रिएशन की जाती है किसी न्यू यूज़र के लिए, उसको उसके ऊपर ग्रांट किया जाता है कि वो आपके टोटल डाटाबेस से ओनली
किस डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है, किस पार्ट को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद प्रिविलेज रिवोकेशन है आपकी, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी लेवल असाइनमेंट्स, कि आपके क्या लेवल्स आप फॉलो कर रहे हो सिक्योरिटी के बारे में। देखिए यहाँ पे आपका जो वन है, दिस पार्ट इज़ रिलेटेड टू एक्सेस कंट्रोल। जैसा मैंने आपको बताया था आईडी पासवर्ड हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट दीज टू आर डिस्क्रिमिनेशनरी डाटाबेस मैकेनिज्म्स। लास्ट वन इज योर मैंडेटरी मैकेनिज्म। ओके मैंडेटरी मैकेनिज्म। तो ऐसे हम आपकी पूरी सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। ओके नेक्स्ट एक्सेस प्रोटेक्शन यूजर अकाउंट एंड डाटाबेस ऑडिट्स। देखिए ये जो मैंने आगे स्लाइड्स डाली हैं, ये स्लाइड्स आपके आपको यदि डिटेल में स्टडी करना है तो आप पढ़ सकते हो इसको। बहुत ही मतलब डीप नॉलेज से रिलेटेड मैंने इसको ऐड कर दिया है अगर आपको स्टडी करना है तो। बाकी इतना डीप लेवल से आपका क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है आपके यूजीसी नेट में। ओके एक्सेस के बारे में हम बात करें, एक्सेस प्रोटेक्शन, तो हमने बात की थी फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट क्रिएशन के बारे में। अकाउंट क्रिएशन आपका मेनली बताता है आपके एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में। जब भी आपका पर्सन या कोई भी आपका ग्रुप है आपके डाटाबेस में एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले आपका क्रिएट किया जाता है आपका अकाउंट। उस अकाउंट के लिए हम आईडी और पासवर्ड जनरेट करते हैं। ये कौन जनरेट करता है? आपका डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जनरेट करता है। ओके उसके बाद आपका जो भी यूज़र है वो आपके डाटाबेस में एंटर करता है थ्रू दैट आईडी एंड पासवर्ड। इसके बाद हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें डिस्कस किया था लॉग के बारे में, लॉग जिसमें आपके जो भी ट्रांजेक्शन आपका रन हो रहा है उन सभी को, जो भी ऑपरेशन किए हैं आपने उनको हम लॉग रिकॉर्ड्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं आपके लॉग्स में। आपके डाटाबेस पे आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं उन सब ऑपरेशंस को हम ट्रैक करते हैं आपके जितनी बार भी आप लॉगिन करेंगे उन सभी लॉगिन के लिए। यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट यूज होता है दैट इज लॉग कंसेप्ट। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस वन अगर आपने लास्ट क्लास 10 की है। मेनली लॉग्स को हम यूज करते हैं, दीज लॉग्स आर यूज्ड फॉर रिकवरी ड्यूरिंग एनी फेलियर और सिस्टम क्रैश। ओके नेक्स्ट ओके ये फिर से कॉपी हो गया, सॉरी ये पार्ट फिर से आपका कॉपी हो गया है। नेक्स्ट इफ एनी टेम्परिंग मीन्स आपके डाटा में कोई लीकेज, यदि हमें सस्पेक्ट है एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस और ऑथराइज्ड एक्सेस है, यदि उस पर हमें शक होता है या हमें लगता है कि दैट पर्सन इज अ सस्पेक्ट हुज एक्सेस इज हार्मफुल फॉर आवर डाटाबेस, तो उसके लिए हम एक डाटाबेस ऑडिट परफॉर्म करते हैं। ये डाटाबेस ऑडिट क्या करता है कि उस पर्सन ने जितनी बार भी आपके उस डाटाबेस में एक्सेस किया है उन सभी एक्सेस को एग्जामिन करता है, उसने क्या ऑपरेशंस प्रोवाइड आपके डाटाबेस पे अप्लाई किए परफॉर्म किए उन सभी को आपका एग्जामिन किया जाता है। ये किसके थ्रू होता है? ये सभी लॉग रीडिंग के थ्रू होता है। ओके कि उसने किस टाइम पे एक्सेस किया, कितने टाइम के लिए वो एक्सेस रहा डाटाबेस में, क्या क्या ऑपरेशंस उसने परफॉर्म किए उस टाइम पीरियड के दौरान, तो ये सभी चीज़ें आपकी तब अप्लाई की जाती है जब हमें लगता है कि ये पार्टिकुलर यूजर है इसका एक्सेस हमारे डाटाबेस के लिए हार्मफुल हो सकता है। ओके और उसके लिए जो मेन थिंग होती है उसको हम बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। दैट इज मेनली फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ओके नेक्स्ट हमारा यहां पे स्टार्ट होता है डिस्क्रिमिनेटरी डाटाबेस सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ओके यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम कैसे एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, कैसे किसी भी यूज़र को परमिशन ग्रांट करते हैं, कैसे उसको रिवोक करते हैं। ओके मेनली इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग। यहाँ पे आपका जो
हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे वो दो लेवल से प्रोवाइड की जाती है, दो टाइप से प्रोवाइड की जाती है. फर्स्ट वन इज अकाउंट लेवल पे एंड सेकेंड वन इज रिलेशनल लेवल और टेबल लेवल पे. अकाउंट लेवल की हम बात करें तो आपका जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सब के आपकी पार्टिकुलर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वो आपको प्रोवाइड करता है कि आपका जो अकाउंट बनाया गया है वो आपके डाटाबेस को इंडिपेंडेंटली रख के बनाया गया है. ठीक है, DBA specifies the particular privileges that each account hold independently of the relations. Okay, independently काम करेगा. फिर relational level की बात की गई है तो आपका जो user है वो कहाँ पे access कर सकता है, उसका view level की definition क्या है, उसके base पे हम कैसे provide करते हैं. Okay, ये दो levels main होते हैं आपके. First one, स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपका अकाउंट लेवल है उस पर हम प्रिविलेज को अप्लाई करते हैं. ओके, फर्स्ट वन, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस SQL टर्म्स. ये सभी आपकी SQL टर्म्स हैं, इन सभी के बारे में आप अवेयर होंगे. फर्स्ट वन इज क्रिएट स्कीमा और क्रिएट टेबल आपकी किसी भी रिलेशन को क्रिएट करने के लिए. नेक्स्ट इज क्रिएट व्यू, व्यू फॉर ए पार्टिकुलर यूज़र. नेक्स्ट इज ऑल्टर प्रिविलेज, यदि आपने आपके स्कीमा में कोई चेंज करना है, आपकी पार्टिकुलर रिलेशन में कोई चेंज करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं ऑल्टर कमांड. नेक्स्ट इज ड्रॉप प्रिविलेज, किसी भी टेबल को डिलीट करना है या किसी व्यू को डिलीट करना है. नेक्स्ट इज मॉडिफाई, मॉडिफाई फॉर एनीथिंग यू वांट टू चेंज लाइक इंसर्ट एनी न्यू टपल्स और डिलीट सम टपल्स और अपडेट द वैल्यूज ऑफ सम टपल्स. नेक्स्ट इज सेलेक्ट कमांड, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस वन, सेलेक्ट कमांड. ओके, मेनली द सेकेंड लेवल ऑफ प्रिविलेज अप्लाइज टू द रिलेशनल लेवल. रिलेशनल लेवल पे हम कैसे अप्लाई करेंगे, एक होगी आपकी बेस रिलेशन और एक होगी आपकी वर्चुअल रिलेशन. बेस रिलेशन एंड वर्चुअल रिलेशन, इन दोनों पे हम ग्रांटिंग और रिवोकिंग कैसे करेंगे, कैसे हम इन सब पे ऑथराइजेशन प्रोवाइड करेंगे, ये एक प्रोग्राम के थ्रू हम यहाँ देखेंगे. ठीक है, मैंने इसमें प्रॉपर कमांड्स लिखी हुई हैं आपकी, डोंट टेक टेंशन. ओके, यहाँ पे आपका जो काम होगा उसको हम एक्सप्लेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मॉडल. इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मॉडल, आपकी मैट्रिक्स की जो रोज होती हैं, द रो ऑफ ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट यूजर, अकाउंट्स और प्रोग्राम्स. मीन्स इनको बोला जाता है सब्जेक्ट्स. आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री. आपके इनके नाम लिख सकते हो या फिर आप यूजर्स कौन है, अकाउंट क्या है, उसका प्रोग्राम क्या है जो उसको रन करना है, ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आप उसमें डाल सकते हो. सॉरी. नेक्स्ट, ये तो आपकी रो रिप्रेजेंट करेगी. आपका पार्टिकुलर कॉलम, कॉलम क्या है यहाँ पे, आपकी रिलेशन, आपके रिकॉर्ड्स, आपके कॉलम्स. जैसे हम टेबल में रिप्रेजेंट करते थे, सेम एज थिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है. और आपकी मैट्रिक्स की कोई पोजीशन जो है, आई थिंक आपने सभी ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा होगा, तो मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक किसी पोजीशन को इन द फॉर्म ऑफ आई एंड जे. आई आर रोज एंड जे इज आर कॉलम्स. तो कोई भी जो पोजीशन होगी वो रिप्रेजेंट करेगी पार्टिकुलर प्रिविलेज को. पार्टिकुलर प्रिविलेज को, प्रिविलेज मीन्स कि आप उस पार्टिकुलर डाटा को रीड करेंगे, राइट किया है या अपडेट किया है. फॉर दैट सब्जेक्ट, फॉर दैट यूजर ऑन अ पार्टिकुलर कॉलम और व्यू. इस लाइन को ध्यान से समझिएगा. ये जो आई एंड जे पोजीशन है आपकी मैट्रिक्स में, ये रिप्रेजेंट करती है कि इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट ने, फॉर एग्जाम्पल, इस पार्टिकुलर यूजर ने हमारे इस कॉलम पे, डाटाबेस के कॉलम पे, ठीक है, कॉलम पे कोई भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है या अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म किया है. दैट इज मैट्रिक्स मॉडल. मैट्रिक्स मॉडल मेनली रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो ऑथराइजेशन लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आपकी डाटाबेस पे. ओके, चलिए एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका. यहाँ पे हमने
एक रिलेशन आर के लिए असाइन किया है एक ऑनर अकाउंट, ऑनर अकाउंट, ऑनर क्या है उसको हमने यहाँ पे सभी प्रिविलेज प्रोवाइड किए गए हैं उस रिलेशन के लिए। एग्जांपल है ये, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मेनली आपका जो एसक्यूएल है उसमें आपके डीबीएमएस को, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को परमिशन होती है एंड आपके ऑनर को परमिशन होती है आपके पूरे डाटाबेस स्कीमा में कोई भी काम करने के लिए, टू ए वॉल स्कीमा बाय क्रिएटिंग द स्कीमा और एसोसिएटिंग द एप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन आइडेंटिफायर्स। इसके बाद हम यूज़ करते हैं क्रिएट स्कीमा कमांड। क्रिएट स्कीमा कमांड में आपका जो ऑनर है उसको कुछ प्रिविलेज प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी अपनी ओन रिलेशन पे, और अगर वो आपके उस रिलेशन में किसी और यूज़र को प्रोवाइड करना चाहता है एक्सेस तो वो कैसे उनको ग्रांट करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या टर्म्स आप यूज़ करेंगे, क्या क्या टर्म आप यूज़ करेंगे। सेलेक्ट कमांड, यू ऑल नो अबाउट सेलेक्ट कमांड कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, आपकी टपल्स को रिट्राइव करने के लिए यूज़ किया जाता है सेलेक्ट कमांड को। यस रवि सिंह, आपने एसक्यूएल कमांड में एसक्यूएल का एग्जांपल हमने जब एसक्यूएल स्टडी किया था वहाँ पे देखा होगा। ओके मॉडिफाई, मॉडिफाई आप कर सकते हो। जैसे हम बात करें यहाँ पे एसक्यूएल में हमने स्टडी किया था, एसक्यूएल में हमने टर्म स्टडी की थी क्रिएट कमांड। क्रिएट में आप कोई स्कीमा क्रिएट कर सकते हो, आपकी कोई रिलेशन क्रिएट कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो। आपकी नेक्स्ट थी मॉडिफाई कमांड, आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, और वन इज ऑल्टर कमांड। नेक्स्ट इज डिलीट कमांड, डिलीट कमांड इज़ यूज फॉर डिलीटिंग एनी कॉलम और टपल। नेक्स्ट इज आपकी ड्रॉप कमांड, ड्रॉप कमांड इज़ यूज टू डिलीट द होल टेबल, आपकी कंप्लीट टेबल को डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं या किसी भी व्यू को डिलीट करने के लिए। आफ्टर दैट सेलेक्ट, सेलेक्ट फ्रॉम, वेयर, वेयर। नेक्स्ट इज ग्रुप बाय, इन ग्रुप बाय व्यू वी यूज एन क्लाउज कॉल्ड हैविंग क्लाउज। आफ्टर दैट ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ये सब कमांड्स हम यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट इज, तो इनके बारे में आप स्टडी कर सकते हो। मॉडिफाई, मॉडिफाई हम किस लिए यूज़ करते हैं, कोई नई टपल हमें इंसर्ट करनी है या हमारी पार्टिकुलर जो प्रिविलेज है उसको डिवाइड करना है, अपडेट, डिलीट। रेफरेंसेस, देखिए रेफरेंसेस यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी टर्म है, अगर आपने एसक्यूएल को डिटेल में स्टडी किया हो, प्रैक्टिकल किया हो तो आपने इसको इम्प्लीमेंट किया होगा। रेफरेंसेस क्या होता है, जनरली एक अकाउंट है वो किसी भी रिलेशन को रेफरेंस कर रहा है उसके इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के थ्रू, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के थ्रू। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मीन्स कि आपकी कोई फॉरेन की है या प्राइमरी की है। ओके फॉर एग्जांपल आपकी एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल में आपने किसी को फॉरेन की डिक्लेयर किया हुआ है और ये आपके किसी डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस कर रहा है, तो इस टाइप ऐसे आप अपने रेफरेंसेस को कैसे क्रिएट करते हो। ओके नेक्स्ट, हाँ जी मैकेनिज्म आपके व्यूज से रिलेटेड, इस स्लाइड को आप स्टडी कर लेना कैसे करते हैं। सेम टर्म आपको दी गई है रिवोकिंग प्रिविलेज, रिवोकिंग प्रिविलेज आपके किसी भी यूज़र को हम टेम्परेरली कैसे प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में डिटेल दी गई है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे ग्रांट ऑप्शन। आई थिंक आपने स्टडी किया होगा ग्रांट, ग्रांट ऑप्शन हम यूज़ करते हैं जब आपका यूज़र वन अपने डाटाबेस में किसी अनदर यूज़र को एक्सेस प्रोवाइड करवाना चाहता है तो उसको क्या क्या ग्रांट किया जाएगा, क्या क्या परमिशन ग्रांट की जाएगी, उसके लिए यूज़ करते हैं हम ग्रांट ऑप्शन को। नेक्स्ट अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल चलिए देखिए, यहां पे आवर डाटाबेस क्रिएट फोर अकाउंट, अकाउंट वन, अकाउंट टू, अकाउंट थ्री एंड अकाउंट फोर। ओके एंड ओनली अकाउंट वन एबल टू क्रिएट द बेस रिलेशन, बेस रिलेशन इज योर मेन रिलेशन, बेस रिलेशन इज योर मेन रिलेशन।
जो आपका मेन डाटाबेस है जिस पे सभी को प्रोवाइड है एक्सेस, जिसको जिस पे सभी को आपकी एक्सेस प्रोवाइड है. ओके इट्स नॉट वर्किंग. ओके आपके सभी को डाटाबेस एक्सेस प्रोवाइड है, मींस आपका जो मेन रिलेशन है. हमने तीन लेवल पढ़े थे हमारे डाटाबेस के लिए, फिजिकल लेवल, नेक्स्ट इच कंसेप्चुअल लेवल एंड लास्ट वन इच व्यू लेवल. आपकी बेस रिलेशन आपने डिफाइन की हुई है. नेक्स्ट ओनली यूज़र A1 को, अकाउंट वन को हमने प्रोवाइड किया, ठीक है. नेक्स्ट DBA क्या करेगा, उसको ग्रांट कमांड प्रोवाइड करेगा, ग्रांट क्रिएट टैब टू A1, क्रिएट टेबल टू A1. ओके फिर आपके यूज़र A1 को, अकाउंट A1 को एक्सेस मिल चुका है, एक्सेस A1 को. अब उसने क्या किया, अपना स्कीमा क्रिएट किया. फॉर एग्जांपल ऑथराइजेशन प्रोवाइड किया हमने A1 को, SQL 2 DBA इश्यू करेगा ये चीज़ें. देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सब काम DBA कर रहा है अभी. जब अकाउंट वन क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे अकाउंट वन में ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग की. आपके DBA ने एक क्रिएट स्कीमा क्रिएट किया उस पार्टिकुलर अकाउंट के लिए और उसको ऑथराइजेशन प्रोवाइड की. एग्जाम्पल ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर रहा है एक्सेस के लिए. नेक्स्ट यूज़र अकाउंट A1 कैन क्रिएट टेबल्स, वो अपनी टेबल्स क्रिएट कर सकता है अंडर द स्कीमा कॉल्ड एग्जाम्पल. यहाँ पे उसने क्या किया है, अपना स्कीमा, उसको एक DBA में ने क्या प्रोवाइड किया है कि आप एग्जाम्पल स्कीमा के अंदर अपनी टेबल्स से उनको क्रिएट कर सकते हो. तो यूज़र अकाउंट A1 कैन क्रिएट टेबल्स अंडर द स्कीमा एग्जाम्पल. उसने एग्जाम्पल स्कीमा में, एग्जाम्पल ये स्कीमा है, उसमें उसने दो टेबल क्रिएट की. फर्स्ट टेबल इज एम्प्लॉय टेबल एंड सेकेंड टेबल इज डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है. सपोज A1 क्रिएट्स द टू बेस रिलेशंस, वन इज A1 एम्प्लॉय एंड सेकेंड इज डिपार्टमेंट. A1 इज द ऑनर ऑफ बोथ टू रिलेशंस एंड हैंस ऑल प्रिविलेज मीन्स कंप्लीटली एक्सेस, कंप्लीटली ऑथराइज, कंप्लीट सिक्योरिटी लेवल्स आपके अभी अकाउंट A1 के पास है इन सब के लिए, दोनों टेबल्स के लिए, ठीक है. नेक्स्ट A1 wants to grant A2 the privilege to insert and delete tuples in both relations. अब A1 क्या है, ये अपने अंडर अकाउंट 2 को इसमें इंसर्ट करने के लिए और डिलीट करने के लिए टपल्स को ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है. बट A1 does not want A2 to be able to propagate these privileges to additional accounts. अब A1 चाहता है कि मैं सिर्फ A2 को प्रोवाइड करूं ये फैसिलिटीज, लेकिन A2 अपने से आगे A5 को, A6 को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवा पाए. उसके लिए वो कैसे लिखेगा, वो लिखेगा ग्रांट इंसर्ट डिलीशन ऑन. ऑन इज आपके क्या क्या प्रिविलेज हैं उसको प्रोवाइड किए गए हैं. एम्प्लॉय डिपार्टमेंट दोनों टेबल्स पे टू ए टू कि आपके यूज़र A1 ने ग्रांट किए इंसर्ट प्रिविलेज एंड डिलीट प्रिविलेज इन एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल टू A2 अकाउंट. नेक्स्ट तो आपके जो A1 और A2 अकाउंट हैं वो इस टाइप से हैं, ठीक है. ये स्कीमा है जो उसके अंदर मैं आपको शो कर रहा हूँ. नेक्स्ट अब A1 ने A2 को प्रोवाइड किया था, अब वो चाहता है कि A3 को वो इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करने के लिए परमिशन प्रोवाइड करें, ठीक है. A1 wants to allow A3 to retrieve information from both tables and able to propagate the select privilege. अब देखिएगा सेम चीज आपकी प्रोवाइड की जाएगी A3 को, ग्रांट सेलेक्ट प्रिविलेज ऑन, सेलेक्ट प्रिविलेज को ऑन कर दीजिए एम्प्लॉय टेबल में और डिपार्टमेंट टेबल में टू ए थ्री ग्रांट ऑप्शन के साथ. अब
ये कह रहा है कि अगर A3 को आपने प्रोवाइड किया तो वो क्या कर सकता है, इसके बारे में नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है, A3 कैन ग्रांट द सिलेक्ट प्रिविलेज टू द एम्प्लॉय रिलेशन टू A4 बाय इशूइंग। देखिए ये जो ऑपरेशन, इसको A3 को प्रोवाइड किया गया है, इस ऑपरेशन के थ्रू आपका A3 अपने अंडर A4 को भी कुछ परमिशंस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। जैसा हमने बात की थी यहाँ पे कि A2 को आपने आपके किसी भी अनदर एडिशनल अकाउंट को प्रोवाइड करने के लिए प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं किए हैं, ठीक है। A1 ने क्या किया, A2 को क्रिएट किया और A3 दो अकाउंट्स को परमिशन दी है, लेकिन A2 को फर्दर किसी अकाउंट को परमिशन प्रोवाइड करने की के लिए ग्रांट नहीं किया है, ऑथराइज नहीं किया है, जबकि A4 को ऑथराइज किया है कि वो A4 अकाउंट है या A5 अकाउंट है उसको अपनी तरफ से कुछ परमिशंस हैं वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे देखिए, विद ग्रांट ऑप्शन के साथ ग्रांट, अब A3 है वो आपके A4 को कुछ प्रोवाइड करेगा, ग्रांट सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉय टेबल टू A4। अब A3 ने क्या किया, इसको एम्प्लॉय टेबल में और डिपार्टमेंट टेबल दोनों में सेलेक्ट प्रिविलेज मिला हुआ था, इसने क्या किया A4 को ओनली एम्प्लॉय टेबल में सेलेक्ट प्रिविलेज है वो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट नोट दैट, यहाँ पे एक नोटिस भी डालिएगा, A4 कैन नॉट प्रोपेगेट द सेलेक्ट प्रिविलेज बिकॉज ग्रांट ऑप्शन वॉज नॉट गिवन टू A4। यहाँ पे A4 आपका फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकता है क्योंकि उसने उसको हमने ये जो ग्रांट ऑप्शन है ये प्रोवाइड नहीं किया है। देखिएगा पूरा कॉम्प्लेक्स टास्क है इसलिए मैंने अलग अलग से लिखा है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। एक लास्ट में PPT बना के मैं आपको समझा दूंगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट है, A1 डिसाइड टू रिवोक द सेलेक्ट प्रिविलेज ऑन द एम्प्लॉय रिलेशन फ्रॉम A3। तो वो क्या करेगा, वापिस ले रहा है अपनी इंफॉर्मेशंस को, रिवोक सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉय टेबल। A1 ने लास्ट स्लाइड में देखिए, A1 ने A3 को यहाँ पे एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट दोनों टेबल्स में प्रोवाइड किया था एक्सेस, अब वो क्या कर रहा है कि एम्प्लॉय टेबल है उससे वापस ले रहा है, ठीक है। उसने क्या किया, रिवोक कर दिया एम्प्लॉय टेबल पे रिवोक किया है। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे आप नोट करो, तो A3 ने A4 को प्रोवाइड किया था एम्प्लॉय टेबल पे ही एक्सेस, तो अब A3 के पास ही एम्प्लॉय टेबल में एक्सेस नहीं है, तो क्या A4 को ये एक्सेस मिल पाएगा फर्दर। उसके लिए देखिए, DBMS मस्ट नाउ ऑटोमेटिकली रिवोक द सेलेक्ट प्रिविलेज ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम A4। अगर A3 के पास ही ये एक्सेस नहीं है तो फर्दर A4 को जो एक्सेस मिला हुआ था वो भी आपका लॉस्ट हो जाएगा, किससे, A4 से, बिकॉज आपके A3 के पास कुछ चीज है और वो उससे वापस ले ली गई है और उसने वही चीज आपकी आगे पास की हुई थी, तो जब A3 के पास वो अवेलेबल नहीं है तो A4 भी उस चीज को, A4 के लिए भी वो आपकी अवेलेबल नहीं होगी। आप जर्नल एग्जाम्पल में इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट, बिकॉज A3 ग्रांटेड दैट प्रिविलेज टू A4 एंड A3 आर नॉट अवेलेबल मोर। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्रिएट कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया गया है कि कैसे ये सब काम होता है। रवि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कुछ टर्म्स। सपोज A1 wants to give back to A3 a limited capability to select from the employee table। अब वो आपके फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय टेबल में ही कुछ लिमिटेड प्रोवाइड कर रहा है, उसको लिमिटेड कैपेबिलिटी लिमिटेड प्रिविलेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लिमिटेशंस क्या क्या हैं कि ओनली आपका नेम को रिट्राइव कर सकता है, बर्थ डेट को रिट्राइव कर सकता है, एड्रेस को रिट्राइव कर सकता है, एंड ओनली फॉर द डिपार्टमेंट नंबर 5 तो वो आपके SQL में कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए क्या कमांड्स होंगी। यहाँ पे A1
आपका व्यू क्रिएट करेगा फॉर A3 के लिए। फॉर A3 के लिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे डाटाबेस में 3 लेवल्स होते हैं, फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड व्यू लेवल। अभी हमारा A1 A3 के लिए व्यू क्रिएट करेगा और उस व्यू में हम उसको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे वो शो किया गया है आपकी स्लाइड में। यहाँ पे क्रिएट व्यू A3 के लिए व्यू क्रिएट कीजिए और व्यू का नाम है एम्प्लॉय। व्यू का नाम है एम्प्लॉय और उस एम्प्लॉय टेबल में आपको सेलेक्ट कर सकते हो आप नेम, बर्थ डेट एंड एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 5, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 5। आफ्टर द व्यू क्रिएटेड A1 कैन ग्रांट सेलेक्ट ऑन द व्यू A3 एम्प्लॉय टू A3 एज फॉलोज। अब उसने व्यू क्रिएट कर दिया है A3 के लिए, व्यू का नाम रखा है एम्प्लॉय। A1 ने ये व्यू क्रिएट किया और उसका नाम है एम्प्लॉय फॉर A3। अब इस A3 में उसको क्या क्या ग्रांट किया जाएगा, क्या क्या परमिशन ग्रांट की जाएंगी कि आप सेलेक्ट कर सकते हो ओनली सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन नॉट इंसर्ट यू कैन नॉट मॉडिफाई और यू कैन नॉट डिलीट। आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते, ओनली यहां से सेलेक्ट कर सकते हो इस पार्टिकुलर एम्प्लॉय यू से आपका डाटा। और उस एम्प्लॉय टेबल में भी क्या क्या है, ओनली नेम, एड्रेस एंड बर्थ डेट एंड दैट इज ओनली फॉर डिपार्टमेंट नंबर 5, ओनली फॉर डिपार्टमेंट नंबर 5। अब उसको एडिशन में क्या प्रोवाइड किया कि ग्रांट ऑप्शन। ग्रांट ऑप्शन मीन्स कि आपका A3 है वो A4 को भी इसमें से कुछ परमिशंस प्रोवाइड कर सकता है। जैसे प्रीवियस में हमने देखा था उसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब फाइनली A1 वांट्स टू अलाउ A4 टू अपडेट ओनली द सैलरी एट्रीब्यूट। अब आपका A1 चाहता है कि वो A4 जो अकाउंट है उसको ओनली सैलरी एट्रीब्यूट में अपडेट करने की परमिशन दे दी जाए। ठीक है, तो ग्रांट अपडेट इज योर प्रिविलेज और योर ऑपरेशन ऑन एम्प्लॉय टेबल एंड एम्प्लॉय टेबल में क्या, ओनली एंड ओनली सैलरी एट्रीब्यूट टू A4 अकाउंट। द अपडेट और इंसर्ट प्रिविलेज कैन स्पेसिफाई पार्टिकुलर एट्रीब्यूट। यहाँ पे आपका पार्टिकुलर एट्रीब्यूट के बारे में बात की है, सैलरी के बारे में। ठीक है, अदर प्रिविलेज लाइक सेलेक्ट एंड डिलीट आर नॉट एट्रीब्यूट स्पेसिफिक। यहाँ पे उनके बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, ये था आपका पूरा SQL में आप कैसे डिस्क्रिमिनेशनरी आपके सिक्योरिटी मैकेनिज्म में ऑथराइजेशन प्रोवाइड करते हो, कैसे उस पर पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता है। चलिए इसको हम एक कंप्लीट स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे DBA ने A1, A2, A3 एंड A4 फोर अकाउंट क्रिएट किए। ठीक है, A1 है आपका वो मेन यूज़र है, A1 मेन यूज़र है। A1 ने यहाँ पे A2 एंड A3 दो अपने अंडर प्रोवाइड किए। ठीक है, अपने अंडर प्रोवाइड किए। साक्षी, इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा सब चीज़ें। अब इसने क्या किया था हमारी फर्स्ट स्लाइड में जो हमारा था, A1 ने A2 को ग्रांट ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया था। ग्रांट ऑप्शन का मीनिंग है कि आपका A2 यदि किसी अकाउंट A5 और A6 को उसको जो परमिशन मिली है वो प्रोवाइड करना चाहता है तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आपकी उस स्लाइड में आप चेक कीजिएगा, A2 को ये परमिशन प्रोवाइड नहीं की गई थी। नेक्स्ट, जब A1 ने A3 अकाउंट क्रिएट किया तो उसको हमने ग्रांट ऑप्शन प्रोवाइड किया था। ग्रांट ऑप्शन था वो प्रोवाइड किया था, मीन्स आपका A3 है वो A4 को कुछ अपनी मिली हुई परमिशंस में से परमिशंस है वो प्रोवाइड कर सकता था। जैसे एग्जांपल, वहाँ पे आपके A3 को एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट दोनों टेबल्स के अंदर एक्सेस मिला हुआ था, उसमें से एम्प्लॉय टेबल में ही आपके A4 को एम्प्लॉय टेबल में उसने एक्सेस प्रोवाइड किया था,
and that access is only select access. Select access. और जब A3 ने A4 के लिए आपका view create किया, उसमें उसने आपके A4 को grant option provide नहीं किया था. Grant option है वो provide नहीं किया था. Means A4 further A5 और A6 और A7 को यहाँ पे access provide नहीं कर सकता, उनके लिए views है वो create नहीं कर सकता था. ये पूरी working है आपकी. और ये वर्किंग होती कैसे है उसको हमने लास्ट की स्लाइड्स में डिस्कस किया है. जैसे लास्ट की हमारी स्लाइड थी जिसमें हमारी बात की गई है कि A1 ने A3 के लिए एक व्यू क्रिएट किया था, वो एक एग्जांपल मैंने डाला हुआ है आपको कि कैसे क्रिएशन होती है. A3 के लिए जो व्यू क्रिएट किया था उसका नाम था एम्प्लॉय. उसमें हमने इंक्लूड किया था एम्प्लॉय नेम, बर्थ डेट एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, एंड दैट इज ओनली फॉर द डिपार्टमेंट नंबर फाइव. और इसमें हमने जो इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी दैट इज ओनली आई थिंक सेलेक्ट. ओके सॉरी लॉस्ट हो गया स्क्रीन. ओ सॉरी दैट इज लॉस्ट यार. चलिए मैं दोबारा से क्रिएट कर देता हूँ. ओके वहाँ पे हमने जो A3 को हमने एम्प्लॉय जो क्रिएट किया था उसमें नेम ऑफ द एम्प्लॉय, बर्थ डेट ऑफ द एम्प्लॉय एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, ये तीन हमने रखे थे एट्रीब्यूट्स. एंड दीज एट्रीब्यूट्स आर ओनली फॉर डिपार्टमेंट नंबर फाइव, ओनली फॉर डिपार्टमेंट नंबर फाइव. इसके बाद A3 को इसके साथ साथ में ग्रांट ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया था. ग्रांट ऑप्शन मीन्स A3, A4 को इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन है वो दे सकता है. ठीक है यहाँ पे. और यहाँ पे जो बात की गई थी जो उसको ऑपरेशन की परमिशन थी, दैट परमिशन इज ओनली फॉर सेलेक्ट, नॉट फॉर इंसर्ट, नॉट फॉर डिलीट एंड नॉट फॉर अपडेट. ये परमिशंस उसको नहीं मिली थी. इसके साथ अब A1 ने इसके साथ साथ अलग से भी A4 क्रिएट किया था जो लास्ट में मैंने आपको बताया था. A4 को उसने यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की थी. एक्चुअल में ये A4 यहाँ पे है, ठीक है, एक्चुअल में ये A4 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, एम्प्लॉय के अंदर सैलरी एट्रीब्यूट भी ऐड कर दिया था. एंड दैट एट्रीब्यूट इज ओनली फॉर A4, नॉट फॉर A3. यहाँ पे जो परमिशन प्रोवाइड की वो किसने प्रोवाइड की, वो डायरेक्टली A1 ने प्रोवाइड की, नॉट A3 ने. ठीक है डायरेक्टली किसने प्रोवाइड की, एम्प्लॉय में A1 ने. और इसको जो ऑपरेशन के मिले थे वो क्या थे, अपडेट ऑपरेशन, नॉट इंसर्ट, नॉट डिलीट, नॉट सेलेक्ट. ऐसे आपके SQL में डिस्क्रिमिनेसी के थ्रू किसी भी फर्दर लेवल पे आप ऑथराइजेशन प्रोवाइड करवा सकते हो आपके डाटाबेस में. उसके लिए क्या होता है, हमारा जो DBA है वो मेन काम करता है. DBA अपने अंडर अकाउंट्स क्रिएट करता है और उन अकाउंट्स को हम ऐसे पर्टिकुलर ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो हमारे डाटाबेस में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उनको परमिशन है, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए परमिशंस है वो प्रोवाइड नहीं की गई है. ओके यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप फर्दर प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको ग्रांट ऑपरेशन लिखना पड़ेगा, अगर आप नहीं प्रोवाइड करना चाहते तो आपको ग्रांट ऑपरेशन नहीं लिखना है. नाउ क्लियर, नाउ क्लियर टू एवरीवन. अभी सभी को क्लियर है, किसी को अभी डाउट है? चलिए नेक्स्ट. इसके बाद है हमारा मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल. मैंडेटरी मींस कि ये चीज़ें तो आपके पास होनी ही चाहिए. देखिए आपकी जो डिस्क्रिमिनेटरी डाटाबेस काम कर रहा था वो बेस किस पे काम कर रहा था, ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग पे काम कर रहा था. जो आपके मेनली काम करता है किस पे, ट्रेडिशनल काम है आपका, मींस आपका ये तो नॉर्मल होता ही है आप किसी भी DBMS पे काम करोगे तो. उसके साथ साथ आपको कुछ एडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज भी हैं वो चाहिए आपके डाटाबेस के लिए. वो क्या होती हैं उसके लिए हम बात करते हैं मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल्स की.
मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल्स की, जिनको हम कंबाइन करते हैं विथ कंबाइन विथ डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस कंट्रोल के साथ में, ठीक है। जो आपका डिस्क्रिमिनेटरी था उसी के साथ में हम कंबाइन करेंगे जिनको हम बोलेंगे मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल्स। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे काम किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टू थिंग्स, सिक्योरिटी क्लासेस, आपकी सिक्योरिटी क्लासेस डिसाइड की जाएंगी, मींस टॉप सीक्रेट फॉर्म, सबसे ऊपर टॉप सीक्रेट, नेक्स्ट इज सीक्रेट, आफ्टर दैट कॉन्फिडेंशियल, आफ्टर दैट अनक्लासीफाइड। ऐसे हम आपके लेवल्स डिसाइड कर देते हैं, अनक्लासीफाइड। सबसे पहले आपके जो लेवल्स हैं उन लेवल्स का ये आपका रूल्स होता है। सबसे पहले जो टॉप सीक्रेट है उसको हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी बोला जाता है, लेवल बोला जाता है, और जो अनक्लासीफाइड है उसको लोवेस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी बोला जाता है। उसके बाद हम ये जो मल्टी लेवल सिक्योरिटी यूज़ करते हैं इसके लिए हमारा एक मॉडल होता है जिसको बेल ला पेडुला मॉडल बोला जाता है, बेल ला पेडुला मॉडल। ये सेम एज टीच हमारा जो मैट्रिक्स मेथड था उसी की तरह काम करेगा। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट्स मीन्स योर यूज़र अकाउंट एंड प्रोग्राम होंगे, आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको हम प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ टॉप सीक्रेट, सीक्रेट एंड क्लासीफाइड एंड अनक्लासीफाइड की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे जो मेन बात की जाएगी क्लियरेंस और यू कैन से क्लासिफिकेशन, एक सब्जेक्ट की बात की जाएगी वो एक क्लास की फॉर्म में की जाएगी, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे क्लासेस में, ठीक है। और जब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे ये क्लासेस में, जब हम सब्जेक्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको क्लास एस लिखा जाएगा, और जब हम ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको क्लास ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहली चीज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस आपको जरूर ध्यान याद रखना है। अगर आप ये डिफरेंस नहीं याद रखेंगे तो आप आगे जाके इस मॉडल को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट मीन्स आपका यूज़र, आपका अकाउंट और आपका प्रोग्राम, और आपका ऑब्जेक्ट मीन्स कि आपकी क्या रिलेशन है, या कोई पार्टिकुलर उस रिलेशन की टपल है वो क्या है, या कोई कॉलम है। जैसा मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया था, मैट्रिक्स में आपकी जो रोज हैं वो डिनोट करती हैं आपके सब्जेक्ट को, और जो आपके कॉलम्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स को, और कोई पार्टिकुलर पोजीशन है फॉर एग्जांपल IOJ, ये बताती है कि इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट ने इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है। दैट ऑपरेशन मे बी एन इंसर्ट ऑपरेशन, दैट ऑपरेशन मे बी अ डिलीट ऑपरेशन और मॉडिफाई ऑपरेशन और सेलेक्ट ऑपरेशन, वो कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। आपके किसी सब्जेक्ट के लिए होते हैं ये, जैसे सब्जेक्ट वन के लिए एक रो, सब्जेक्ट टू के लिए सेकेंड रो, सब्जेक्ट थ्री के लिए थर्ड रो, तो ऐसे आपकी रोज होती हैं। और ये होते हैं ऑब्जेक्ट्स कि इसने पार्टिकुलर कॉलम पे क्या ऑब्जेक्ट किया, या पार्टिकुलर व्यू में क्या काम किया है, या पार्टिकुलर रो में क्या चेंज किया है, ये चीज़ें आपकी रिप्रेजेंट की जाती है कॉलम्स की फॉर्म में, ठीक है। मैट्रिक्स मॉडल सबसे पहले आपको समझना है, आपको जब आप रिविज़न करें तो सबसे पहले मैट्रिक्स मॉडल की जो स्लाइड थी उसको ध्यान से समझना, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के डिफरेंस को ध्यान से समझना, उसके बाद ही आप आगे इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेनली दो रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करते हैं, टू रेस्ट्रिक्शंस आर इन्फोर्स्ड ऑन डाटा एक्सेस। फर्स्ट वन इज सिंपल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी। ये क्या होती है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा रीड एक्सेस के लिए किसी ऑब्जेक्ट के लिए, यदि उसकी क्लास एस है वो, उसकी परमिशन यदि नहीं है आपके इस फॉर्म में, ठीक है। यस, इस दीज एक्सेस कंट्रोल आल्सो वर्क इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट एंड वर्चुअल मेमोरी एनवायरनमेंट। आपकी ये डाटाबेस है तो आप देखिए, जो आपने बात की है डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट की और वर्चुअल एनवायरनमेंट की, देखिए सचिन जी वो मेनली होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉर्म में, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी है या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, वो आपके मेनली डिपेंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में, या आपके वर्चुअल मेमोरी, आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ कर रहे हो उसमें आपका वर्चुअल मेमोरी टेक्निक्स है वो यूज़ कर रहे हो, उसी के अंदर आपके जो डाटा बेसिस है वो किस फॉर्म में है। लाइक आपने डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट की बात की, वहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेस होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेस होता है, उसमें आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटीज़ आपकी इस फॉर्म में होंगी,
एनवायरनमेंट की आपने बात की, दैट इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। आप डाटाबेस की जो बात करेंगे, उस एनवायरनमेंट में आप कहाँ से डाटाबेस एक्सेस कर रहे हो, उस डाटाबेस पे आपकी ये सिक्योरिटीज अप्लाई होती हैं। ठीक है, नाउ क्लियर सचिन? आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो यहां पे हमारी जो सिंपल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके सब्जेक्ट को उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट में एक्सेस करने के लिए परमिशन मिली है या नहीं मिली है। नेक्स्ट, सेकंड थिंग, आपके सब्जेक्ट को यदि परमिशन नहीं मिली हुई है राइट के लिए, तो उसको हम नहीं कर सकते। ए सब्जेक्ट एस इज नॉट अलाउड टू राइट एन ऑब्जेक्ट ओ अनलेस, यदि उसको परमिशन नहीं है तो। ठीक है, इसको मेनली हम बोलते हैं स्टार प्रॉपर्टी। ये होती है आपकी स्टार प्रॉपर्टी। आपको दोनों प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सिंपल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी। सिंपल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू रीड एक्सेस। सेकेंड प्रॉपर्टी इज स्टार प्रॉपर्टी। स्टार प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू राइट एक्सेस। नेक्स्ट, अब जब आप मल्टी लेवल सिक्योरिटीज की बात कर रहे हो, ठीक है, वो आपका इंप्लीमेंटेशन उसका मैंने नहीं दिया है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क टू इनक्रूप। आपकी मल्टी लेवल सिक्योरिटी नोशंस के लिए रिलेशनल डाटाबेस में हम कुछ कॉमन एट्रीब्यूट वैल्यूज को यूज करते हैं। ठीक है, कंसीडर एट्रीब्यूट वैल्यूज एंड टपल्स एज अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट थिंग, इसको मैंने एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश की है। ईच एट्रीब्यूट ए इज एसोसिएटेड विद ए क्लासिफिकेशन एट्रीब्यूट सी ऑन द स्कीमा, ऑन द स्कीमा, एंड ईच एट्रीब्यूट वैल्यू इन ए टप्पल इज एसोसिएटेड विद ए करस्पॉन्डिंग सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन। सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन, इसमें आपको बताया गया है कि आप किसी पार्टिकुलर एट्रीब्यूट को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। मल्टी लेवल सिक्योरिटी में जब आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो आपके रिलेशन में कोई पार्टिकुलर एट्रीब्यूट है, उसको हम कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप स्कीमा डिफाइन करते हो, तो उसमें हम उसके लिए एक क्लासिफिकेशन स्कीमा कंसीडर करते हैं, जिसको सी नाम दिया गया है, और उस पार्टिकुलर एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज होंगी, उसकी पार्टिकुलर एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज होंगी, उनके लिए हम अलग से आपकी सिक्योरिटी क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसको आगे मैंने लिखा है कि आप कैसे एडिशनल कर सकते हो। इन एडिशनल और इन सम मॉडल्स टपल क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, देखिए ये आगे मैंने यहाँ पे लिखा है पूरा कि कैसे आप मल्टी लेवल रिलेशन में काम करेंगे। आपकी टपल है, टी सी से डिनोट करेंगे, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट हैं उनको कैसे कंप्लीटली प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीटली टी सी इज अ एडिड टू द रिलेशन एट्रीब्यूट्स टू प्रोवाइड ए क्लासिफिकेशन फॉर ईच टपल एज अ होल। आप अलग अलग ना रिप्रेजेंट करके एक कंप्लीटली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एक टपल के लिए। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज एट्रीब्यूट ए वन, उस एट्रीब्यूट ए वन के लिए क्या क्लासिफिकेशन किया गया है, एट्रीब्यूट ए टू के लिए कैसे क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट किया गया है, और आपका टी सी, टी सी इज रिप्रेजेंटिंग द क्लासिफिकेशन फॉर द कंप्लीट टपल, क्लासिफिकेशन फॉर द कंप्लीट टपल, वेयर हियर सी आई आपको मैंने पहले भी बताया, सी आई इज रिप्रेजेंटिंग द क्लासिफिकेशन एट्रीब्यूट इन योर स्कीमा, इन योर स्कीमा। नेक्स्ट, आपकी जो टी सी एट्रीब्यूट की वैल्यू है आपकी प्रत्येक टपल में, वो आपकी हाईएस्ट होगी, विच इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट क्लासिफिकेशन। वैल्यूज विद इन द टपल प्रोवाइड ए जर्नल क्लासिफिकेशन। ओके, आपकी जो टी सी यदि आपने प्रोवाइड की गई है, तो उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर जितनी भी टपल्स आएंगी उसके अंडर में, उन सबको हाईएस्ट मिलेगा आपका एट्रीब्यूट क्लासिफिकेशन वैल्यू। जो आपकी सी आई की वैल्यू है वो हाईएस्ट मिलेगी। ओके, इसमें आपको बताया गया है कि आप एक की भी यूज कर सकते हो आपके पार्टिकुलर सेट ऑफ एट्रीब्यूट के लिए, जिसमें आप मेनली काम करते हो प्राइमरी की के लिए, प्राइमरी की के लिए। नेक्स्ट, एक मल्टी लेवल रिलेशन है, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे
डिफरेंट डाटा, एक पार्टिकुलर यूज़र के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डाटा होता है, उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स रख लेते हैं। क्लियरेंस का मीनिंग है यहाँ पे क्लासिफिकेशन, क्लियरेंस का मीनिंग है यहाँ पे क्लासिफिकेशन लेवल्स। देखिएगा ये टॉपिक है, ये शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे सब लोग, तो इसलिए प्लीज़ इस टॉपिक को एटलीस्ट दो बार आप रिवाइज करना और इसके पूरे शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करना, तब आपको क्लियर हो जाएगा सब चीज़ें। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर थ्योरी पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं कि कैसे आपकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, कैसे आपकी कमांड्स की जाती हैं, तो इसलिए प्लीज़ इस चैप्टर की पीपीटी को एटलीस्ट दो बार तो आप लोग रिवाइज करना और अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करना, ताकि आपको सभी टर्म्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक फिल्टरिंग लेवल अप्लाई कर देते हैं। फिल्टरिंग लेवल का मेन काम क्या होता है, जैसे कि आपकी किसी सिंगल टपल को आपको स्टोर करना है और उसको आपका हायर क्लासिफिकेशन लेवल पे स्टोर करना है, तो उसके करस्पोंडिंग जो होगा आपको मिल जाएगा। सचिन आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, आज मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, मैं एब्सेंट था दो तीन दिन के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसको हमें हाईएस्ट लेवल प्रोवाइड करना है उसको हम हायर क्लासिफिकेशन लेवल प्रोवाइड करेंगे और उसकी करस्पोंडिंग जो टपल्स हैं उनको हम लोअर लेवल क्लासिफिकेशन प्रोवाइड कर देंगे, जिसके कारण हमें जब भी हम उस पर्टिकुलर टपल के बारे में बात करेंगे तो हम इजीली फिल्टरिंग कर सकें उस टपल को। ओके, और या उसके साथ साथ आप आपकी अपेरेंट की को जनरेट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर बात की है आपकी यहाँ पर अपेरेंट की के बारे में, यहाँ पे आपकी अपेरेंट की, आप किसी पर्टिकुलर प्राइमरी की के बेस पे भी आपके क्लियर डिनोट कर सकते हो क्लासिफिकेशन लेवल्स को। ठीक है, मेनली ये क्या करेगा, आपके जिस टॉपिक का नाम है जिसमें ये सारी चीज़ें होती उसको पॉली इंस्टेंटेशन बोला जाता है, जिसमें आपकी बहुत सारी टपल्स होती हैं जिनके लिए हम अलग अलग लेवल्स डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर प्राइमरी कीज और ऑन द बेसिस ऑफ योर अपेरेंट कीज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी जो टपल्स हैं उन सभी टपल्स में यदि सेम अपेरेंट की वैल्यू यूज़ की गई है, सेम अपेरेंट की वैल्यू यूज़ की गई है, तो वहाँ पे हम उनके एट्रीब्यूट लेवल्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं, उनके एट्रीब्यूट लेवल्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं, जिसको बोला जाता है पॉली इंस्टेंटेशन, पॉली इंस्टेंटेशन। नेक्स्ट एंटिटी इंटीग्रिटी की यहाँ पे बात की गई है, एंटिटी इंटीग्रिटी आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस टॉपिक। एंटिटी इंटीग्रिटी में हम हमारे मेनली कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, तो इसके बारे में आप इसको स्टडी कर लेना, यहाँ पे आपकी कंस्ट्रेंट्स की बात की गई है मेनली, आपको क्लियर हो जाएगा। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट द कंस्ट्रेंट्स, हमारे पास चार कंस्ट्रेंट हैं रिलेशनल कंस्ट्रेंट्स से रिलेटेड, आप उन सब के बारे में स्टडी करना और उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे सिक्योरिटी के बेस पे आपका हम क्लासिफाई करते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेम थिंग, आपकी नल इंटीग्रिटी, नल वैल्यू के बारे में यहाँ पे बात की गई है और इंटर इंस्टांस इंटीग्रिटी के बारे में बात की गई है, ये आप स्टडी कर सकते हो ईजिली, थ्योरी पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इज कंपेरिजन, कि आपका क्या मेन थिंग है, क्या ड्रॉबैक्स रही आपकी डिस्क्रिमिनेशनरी सिस्टम की, जिनको हमने रिमूव किया आपके मैंडेटरी के अंदर, या क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं, हाई लेवल सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है। देखिए आपकी DAC जो पॉलिसीज थी उन पे हम फ्लेक्सिबिलिटी की तो बात कर रहे थे, मीन्स हम ग्रांट एंड रिवोक के बेस पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स को प्रोवाइड कर सकते थे एक्सेस, लेकिन उसके कारण हम हमारा जो मेन डोमेन था एप्लीकेशन थी उसके अंदर हम आपकी जो मेन थिंग थी जिससे हमें डाटा सिक्योर करना था उसको हम नहीं कर पाते थे। फॉर एग्जांपल आपकी मेलिशियस अटैक्स हो सकते थे, जैसा मैंने आपको बताया नेटवर्क सिक्योरिटी में हम डाटाबेस ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे हैकर्स और अटैकर्स, मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था कि आपके डाटा को वो स्टोर कर अपने पास लोड करेगा, प्लस उसमें कोई वायरस या ट्रोजन हॉर्स ऐड करके फिर रिसीवर को सेंड कर सकता है, तो DAC में क्या होगा, हमारी इस टाइप की प्रॉब्लम्स है वो आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर
आपकी जो मैंडेटरी में जो पॉलिसीज हमने की हैं उसमें हम मेनली क्या बात कर रहे थे कि हम मल्टी लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण हम किसी भी टाइप के इल्लीगल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से हमारे डाटा को प्रिवेंट करते हैं। इल्लीगल फ्लो, फ्लो कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपका डाटा जो फ्लो हो रहा है उसमें कोई भी अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है वो कैसे आपके डाटा को हार्म कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन यहाँ भी इसका एक मेन ड्रॉबैक है आपके मैंडेटरी का, वो ड्रॉबैक क्या है कि सबसे पहली चीज कि ये रिजिड है। नेक्स्ट थिंग द ड्रॉबैक ऑफ हैविंग टू रिड्यूस एनवायरनमेंट एंड सेकेंड थिंग लिमिटेड एनवायरनमेंट, लिमिटेड एनवायरनमेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो प्रैक्टिकल में जब आप बात करते हो तो हम डिस्क्रिमिनेटरी डीएसी को प्रेफर करते हैं, बिकॉज डीएसी को प्रेफर इसलिए किया जाता है कि वहाँ आप ईजली ग्रांट कर सकते हो, ईजली आप रिवोक कर सकते हो किसी से आपका ऑथराइजेशन, ठीक है, बिकॉज दे ऑफर ए बेटर ट्रेड ऑफ बिटवीन द सिक्योरिटी एंड अप्लीकेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया, आप ईजली ग्रांट कर सकते हो, ईजली रिवोक कर सकते हो। ये था आपका कंपेरिजन। अब बात करते हैं हमारे एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में। एक्सेस कंट्रोल्स में हम सबसे पहले बात करेंगे रोल बेस्ड की, सबसे पहले हम बात करेंगे रोल बेस्ड की। तो मेनली इसको 1990 में इम्प्लीमेंट किया गया था, एमर्स रैपिडली इन द 1990 एंड फॉर मैनेजिंग एंड इन्फोर्सिंग दी सिक्योरिटीज, ठीक है। इन बेसिक नोटेशंस यहाँ आपकी जो परमिशंस होती हैं, परमिशंस आर एसोसिएटेड विद द रोल्स एंड यूजर्स, एसोसिएटेड विद द रोल्स एंड यूजर्स, ठीक है। जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं आपके रोल को कि आपका जो पार्टिकुलर यूज़र है वो आपके डाटाबेस में क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, उसके बेस पे हम आपके सिक्योरिटी है जो परमिशन है वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्रिएट रोल एंड डिस्ट्रॉय रोल आपकी कमांड्स होती हैं। ये कमांड्स आपकी ग्रांट एंड रिवोक कमांड के अंडर काम करती हैं, ठीक है। ग्रांट एंड रिवोक कमांड्स आर डिस्कस्ड अंडर डीएसी। नेक्स्ट, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स हैं वो मेनली आपके ऑल्टरनेटिव हैं आपके डिस्क्रिमिनेटरी एंड मैंडेटरी के लिए। आई थिंक ये जो है आपका थ्योरी टॉपिक है, इसको आप भी स्टडी कर सकते हो, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मैंने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए इस सब टॉपिक्स को ऐड किया है, ठीक है। आप सब लोग अगर चाहें तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इट्स अ थ्योरी पार्ट, ये आपका मेनली थ्योरी पार्ट है, यहाँ पे आपकी ज़्यादा कमांड्स नहीं आती हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज़ यू कैन ईजली रीड। तो आप मुझे बताइए प्लीज़ कि इनको एक्सप्लेन करना है या फिर आप स्टडी कर सकते हो। पीपीटी में आपके सभी टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स दीजिए, क्या मैं इनको एक्सप्लेन करूँ या फिर आप स्टडी कर सकते हो। ओके, जैसे हमने बात की आरबीएसी में आपके रोल के ऊपर बात की जाती है, पार्टिकुलर यूज़र के रोल पे, तो यहाँ पे जो रोल है आपका वो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आपका मेनली हम जो बात करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात करते हैं जो आपके उस पार्टिकुलर रोल्स पे अप्लाई किए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, लाइक टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ रोल एक्टिवेशन और उसको क्या क्या ट्रिगर्स किए गए हैं, मीन्स आपका वो रोल है वो किसी अनदर रोल में कैसे चेंज कर सकता है या कैसे कर सक आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है आपका ई कॉमर्स पे आपके जो एक्सेस कंट्रोल्स हैं वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स लाइक आप अपनी एग्जाम्पल दे सकते हो, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वेब है या आपकी फॉर एग्जांपल अमेजन है और फ्लिपकार्ट है, उस पर कैसे आप इनको अप्लाई कर सकते हो एक्सेस कंट्रोल्स को, उसके बारे में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे एक मेन पॉइंट है आपका, जो एक्सेस कंट्रोल होता है वो हेटरोजीनियस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको, दिस इज़ नॉट ए होमोजीनियस, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। और सेकेंड थिंग, ये आपको कॉन्टेंट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है, नॉट रोल बेस्ड, कॉन्टेंट बेस्ड। इसके बाद यहाँ पे हमारी जो मेन चीज़ होती है, हम बात करते हैं क्रेडेंशियल की,
क्रेडेंशियल मीन्स जब आप अमेजन पे कोई भी चीज़ सर्च करते हो या फ्लिपकार्ट पे कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो वहाँ पे आप अपना डाटा प्रोवाइड करते हो और उसी के अकॉर्डिंग आपको वो कई बार क्या करता है प्रोडक्ट्स शो करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कहीं से शॉपिंग की, आपने कोई अमेजन पे कोई प्रोडक्ट शॉप किया और आपकी जो जीमेल आईडी है आपने अमेजन में दी है वही आईडी यदि आपके इंस्टा अकाउंट पे या फिर आपके फेसबुक अकाउंट पे अटैच है तो यहाँ से आपने जो प्रोडक्ट सर्च किया है उसके कई बार आप नोट करेंगे सिमिलर प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट आपके इंस्टा अकाउंट में या फिर आपके फेसबुक अकाउंट पे शो होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, शो होनी स्टार्ट हो जाती है। ये मेन काम होता है एक्सेस कंट्रोल का आपका, कि आपने जिस जीमेल आईडी को अमेजन पे यूज़ किया है उसी जीमेल आईडी को आपने यहाँ भी यूज़ किया है, यहाँ भी यूज़ किया है। दैट इज़ मेनली एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज फॉर ई कॉमर्स। वो क्या करेंगे, आपकी इस जीमेल आईडी उनको मिल गई है और इसका जहाँ भी अकाउंट है उस पे आपके ऑटोमेटिकली आपके एडवर्टाइजमेंट है वो शो होनी स्टार्ट हो जाती है। मींस आपको उनको आपकी इस जीमेल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई है और ये जीमेल जहाँ भी अटैच है वहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट आपको सोशल मीडिया पे शो करना स्टार्ट कर देंगे। या फिर आप कई बार देखते होंगे आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आपके जीमेल में आते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि उस पर्टिकुलर कंपनी को आपका जीमेल आईडी कहाँ से मिला? आप लोग इसके बारे में कई बार ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में आप सोचते नहीं हो, लेकिन इनके बारे में सोचना। दिस वॉल इज़ द केस अबाउट योर डाटाबेस। ये सारी चीज़ें आपके डाटाबेस के अंडर आती हैं और ये सभी चीज़ें आपकी सिक्योरिटी पार्ट के अंडर आती हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपकी सिक्योरिटी पार्ट के अंडर आती हैं। आपकी फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी को आपका जीमेल मिल जाता है आईडी, तो वो आपकी जहाँ भी वो जीमेल आपकी है वहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग स्टेटिस्टिकल डाटाबेस सिक्योरिटी। ठीक है, ये मेनली आपकी काम करती है रिलेटेड टू योर स्टेटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन लाइक एवरेज, सम, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। ये फॉर एग्जांपल जब हमें किसी पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है किसी पार्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन के बारे में या किसी पार्टिकुलर एरिया पे कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल दिल्ली में आपके रिलायंस डिजिटल के कितने मॉल्स हैं, उन पे कितनी शॉपिंग की, कितने परसेंट ऑफ पर्संस हैं वो डेली शॉपिंग कर रहे हैं, इस टाइप का आपका स्टेटिस्टिकल डाटाबेस आपको मेंटेन करना है, उस पे कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको आप स्टडी कर सकते हो, मेनली ये पॉपुलेशन का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला है, आप लोग स्टडी कर लेना। कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको दी है कि कैसे स्टेटिस्टिकल क्यूरीज आप रन करेंगे, क्या क्या प्राइवेसी आपको प्रोवाइड की जाती है। ओके, नेक्स्ट इज फ्लो कंट्रोल्स का यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल प्रोवाइड किया है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स के, ऑब्जेक्ट एक्स एंड वाई। ठीक है, इसमें आपकी सिंपल जो पॉलिसीज होती हैं रिलेटेड आपकी क्लासेस दो क्लासेस में डिवाइड कर देती हैं आपके इन्फॉर्मेशन को, वन इज़ कॉन्फिडेंशियल एंड सेकेंड इज़ नॉन कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल को हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं, सी क्लास में डाल देते हैं और आपकी एन क्लास में डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट आपका कोवर्ट चैनल। कोवर्ट चैनल जैसा मैंने पहले भी बात की, कोवर्ट चैनल मेनली बात करता है आपके फ़्लो के बारे में, आपका जो डाटा फ्लो हो रहा है वो किस चैनल के थ्रू फ्लो हो रहा है, उसके चैनल पे आप क्या सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो दैट आर रिलेटेड टू योर कोवर्ट चैनल्स। ए कोवर्ट चैनल अलाउ द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वायलेट्स द सिक्योरिटी। ठीक है, दैट वायलेट्स द सिक्योरिटी एंड अलाउ इंफॉर्मेशन टू पास थ्रू ए हायर क्लासिफिकेशन लेवल्स टू ए लोअर क्लासिफिकेशन लेवल थ्रू इम्प्रॉपर मीन्स। ठीक है, मेनली यहाँ पे बात की गई है आपके चैनल के बारे में। नेक्स्ट इसमें आप ये स्टडी कर सकते हो, हमारे जो चैनल्स हैं उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं लाइक स्टोरेज चैनल और टाइमिंग चैनल्स में। इसके बाद इंक्रिप्शन एंड पब्लिक की। देखिए इस टॉपिक के बारे में मैंने यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है और इसके बारे में आप ब्रीफ नॉलेज है वो आपके कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर से स्टडी करेंगे, वहाँ पे आपको बताया जाएगा टोटली
और एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। वहाँ पे आप स्टडी करेंगे मेनली, देखिए होता क्या है, इसको समझिएगा, मैं एक जर्नल ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। लाइक ये आपका सेंडर है और इसके पास जो डाटा है वो होगा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में, प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में, और इसने ये पार्टिकुलर डाटा इस रिसीवर को भेजना है, और बीच में है आपका नेटवर्क, लाइक योर एग्जांपल योर इंटरनेट। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल ले सकते हो व्हाट्सएप का, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल। अगर आप सभी को पता होगा व्हाट्सएप में आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मीनिंग है कि आपके सेंडर ने जो डाटा लिखा है ना उसको ये एक आपकी SSL 128 की यूज़ करते हैं इनक्रिप्ट करने के लिए, जिसको DES 128 भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं आपके। इस 128 बिट की आपके की के साथ इसको इनक्रिप्ट किया जाता है। यहाँ पे आता है आपका इनक्रिप्शन पार्ट, आपका इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। इस प्लेन टेक्स्ट को इस पार्टिकुलर एल्गोरिथम के थ्रू इनक्रिप्ट किया जाएगा। अब ये इनक्रिप्ट किया हुआ टेक्स्ट आपका बन जाता है कॉल्ड साइफर टेक्स्ट, और इस साइफर टेक्स्ट को ट्रांसफर करते हैं हम हमारे नेटवर्क के थ्रू। अब जो यूजर रिसीवर है उसको मिलता है आपका साइफर टेक्स्ट नेक्स्ट एंड पे। ये क्या करता है, यहां पे अप्लाई करता है डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में आपका सेम एग्जांपल आता है, लाइक SSL 128 और यू कैन से DES 128 और योर RSA एल्गोरिथम्स। और ये डिक्रिप्शन एल्गोरिथम इस साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है नेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में, सॉरी प्लेन टेक्स्ट में, अरे यार ये फिर गायब हो गया, सॉरी यार ये फिर से भाग गया। प्लेन टेक्स्ट में आपका कन्वर्ट कर देगा वो, सॉरी। तो यहाँ पे हमारा मेनली काम क्या होता है, जब आप इंक्रिप्शन करते हो, जब आप इंक्रिप्शन करते हो तो उन इंक्रिप्शन में हम लेते हैं हमारी कुछ कीज, वो की आपकी पब्लिक की भी हो सकती है और वो की आपकी प्राइवेट की भी हो सकती है, ठीक है, प्राइवेट की भी हो सकती है। मेनली हम इसको स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन यूजर्स, ये आप स्टडी करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में। और आपके कुछ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स हैं, लाइक हम यहाँ पे स्टडी करते हैं RSA एल्गोरिथम और यूटेंट फंक्शंस। अगर आपने इनके बारे में पढ़ा होगा तो आपके नेटवर्क सिक्योरिटी में आता है मेनली ये पार्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी सब्जेक्ट। अगर आपको इसको डिटेल में स्टडी करना है तो इसकी आपकी एक बुक आती है स्पेशल, यस दिस इज द पार्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी गीतांजलि, आपकी एक स्पेशल बुक आती है विलियम स्टेलिंग्स, आपकी स्पेशल बुक आती है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी की। आपको अगर इसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डीप नॉलेज इसके बारे में चाहिए तो आप प्लीज़ इस बुक को रेफर करना, आपकी सभी डाउट्स रिलेटेड टू नेटवर्क सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाते हैं, ओके। तो ये था आपका डाटाबेस सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन। यहाँ पर मैंने आपको आगे यही चीज़ें प्रोवाइड की हैं, DES 128 क्या होता है, आप कैसे DES 128 एल्गोरिथम को लिखते हो, आपका प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, क्या एल्गोरिथम हम अप्लाई करते हैं 64 बिट और 128 और 256 बिट्स, फिर आपकी AES एल्गोरिथम के बारे में यहाँ पे बात की गई है जिसमें हम 128 बिट यूज़ करते हैं, नेक्स्ट आपकी पब्लिक की कैसे काम करती है, प्राइवेट की कैसे काम करती है, उन सब के बारे में मैंने यहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, ठीक है। कैसे आपकी एल्गोरिथम रन करती है ये मैंने यहाँ पे भी लास्ट जो स्लाइड है उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूज़ करके भी बताया है आपको कि आप कैसे डिक्रिप्ट करेंगे आपकी किसी भी पर्टिकुलर की को, और जब आप कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में फुल डिटेल्स में पढ़ने को मिलेगा, ओके। तो ये था डाटाबेस सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन पार्ट, आपको PDF मिल जाएगा इसका, वहाँ से आप एक बार डिटेल स्टडी करना और आपने इसके बारे में शॉर्ट नोट्स बनाना, मैं आपको बताऊंगा कि आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि रिवीजन के टाइम में आप इतना बड़ा थ्योरी पार्ट नहीं स्टडी कर पाएंगे, तो प्लीज़ एक या दो पेज या तीन पेज का शॉर्ट नोट आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है।
ओके, एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट है कोई? ओके, तो ये पार्ट, ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है, ये वाला पार्ट। तो अभी आपका आई थिंक 8:21 हो गया है, नेक्स्ट क्लास हम 8:45 पे स्टार्ट करेंगे। तब तक प्लीज आप सब लोग डिनर कर लीजिए, ओके? नेक्स्ट क्लास हम 8:45 पे स्टार्ट करेंगे, प्लीज सभी लोग तब तक डिनर कर लीजिएगा। और ओके, तो मिलते हैं 8:45 पे अगेन।